दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आलू और अंडे से एक डिश बनाएंगे। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़े से आलू लिए हैं और इनको मैंने उबाल लिया है और इनका छिलका हटा लेना है। मैंने हरी मिर्च लिया है, हमें मोटी वाली हरी मिर्च लेनी है, ये तीखी नहीं होती है। और हम इसमें चाकू से इस तरह से बीच से कट लगा देंगे। हम सभी मिर्ची को बीच में इस तरह से काट लेंगे। और ये मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं, इसको भी हम ऐसे बीच से कट का निशान लगा देंगे थोड़ा, ताकि ये फ्राई करते समय फटे ना। हमने आलू उबालकर छील लिया है और हरी मिर्ची और अंडे को बीच से कट लगा लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। 3 चम्मच तेल डाल दी हूँ। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और एक हरी मिर्ची, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। मिक्स कर लेते हैं। नमक डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालना है। प्याज हमारा भुन गया है, देखिए प्याज में कलर अच्छा आया है। अब हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। अब हम मसाले डालेंगे, हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये हम 1/2 चम्मच डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को हम पका लेते हैं। मसाला हमने भून लिया है, मसाला को इतना भून लिया कि उसमें कच्चापन ना रहे। ये मैंने 6-7 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैं मसाले में डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे अच्छी तरह मैशर से मैश कर लेंगे। आलू का मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। अब हम एक छोटी सी लोई लेंगे, इतनी छोटी, ऐसे गोल गोल बना देना है इस तरह से, और इसे रख देंगे इस तरह से। मैं और भी बना लूंगी। ये मैं आलू चॉप बनाने के लिए बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। अब हम इस तरह से आलू चॉप और भी बना लेंगे। आलू चॉप बनाने के लिए मैंने छोटा छोटा आलू का गोला बना लिया है। अब ये जो मैंने उबला हुआ अंडा लिया था और इसे कट लगाया था, अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी कि आलू की कोटिंग करूँगी पहले। इसे हम अंडा चॉप बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। हाथों पे अच्छी तरह से इस तरह से फैला लेते हैं, इसमें बीच में अंडा रखेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से अंडे को कवर कर देते हैं आलू से। ये मैंने अंडे चॉप की तैयारी कर ली। इस तरह से अपने हम सारे अंडे कवर कर लेंगे। मैंने अंडे और आलू की तो कोटिंग कर ली है,
ये हमने हरी मिर्ची लिया है और इसको हमने कट लगा लिया था। इसके ऊपर भी हम इस तरह से आलू से इसे कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कवर करना है। इस तरह से हम सभी मिर्ची को कवर कर लेंगे आलू से। हमने अंडा चौक और आलू चौक की तैयारी कर ली है। अब हम बेसन का घोल बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, मैं इसमें बेसन डालूंगी। चावल का आटा डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालना है, बहुत थोड़ा घोल में नमक डालेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये कलर के लिए डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा घोल तैयार करेंगे। मैंने बेसन डालते समय चावल का आटा भी डाला है, ये ऑप्शनल है चावल का आटा, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। चावल का आटा डालने से हमारे जो पकौड़े होते हैं ना वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मैंने डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। देखिए घोल हमने तैयार कर लिया है, घोल इस तरह का होना चाहिए। यहाँ हमने तलने के लिए तेल रखा है, मैंने सरसों तेल डाला है, आप इसे रिफाइंड तेल में भी छान सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में बनाने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं ये आलू के बॉल्स डालूंगी इसमें बेसन में और इन्हें अच्छी तरह से बेसन में ऐसे डीप कर लूंगी। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पके और क्रिस्पी पके। अच्छी तरह से बेसन की कोटिंग करके इस तरह से हम सारे आलू फ्राई कर लेंगे। एक साइड से ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे पलट लेते हैं और दूसरी साइड से फ्राई कर लेते हैं और हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पके और क्रिस्पी बने। आलू चॉप हमारे फ्राई हो गए हैं और हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने अंडा लिया है और इसको हम बेसन में अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। बेसन का घोल जो हम बनाएंगे उसको थोड़ा गाढ़ा ही बनाएंगे ताकि इस पर अच्छे से कोटिंग हो सके और ये इसके साथ चिपक सके। इस तरह से हम सारे अंडों पर अच्छे से बेसन की कोटिंग करके फ्राई कर लेते हैं। अंडा चॉप भी फ्राई हो गया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से मिर्ची फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से इस पे बेसन की कोटिंग कर लेनी है। ये
एक साइड से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें पलट के दूसरी ओर से फ्राई कर लेते हैं। मिर्ची फ्राई हो गई है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमारे अंडा चॉप और आलू चॉप बनके तैयार है, अब हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारे अंडा चॉप और चिली चॉप आलू चॉप बनके तैयार है। मैंने इसको धनिया और पुदीने की दही वाली चटनी के साथ सर्व किया है। ये इस चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लगते हैं खाने में। आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे घर पे तो सब इसे बहुत पसंद करते हैं और मेरे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो भी मैं बनाती हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।